बीएनबीएससी पाठ्यक्रम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे खनिज की। यानी खनिज तेल भी कहा जाता है। खनिज तेल भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम भी कहा जाता है। अब अपन बात करें खनिज तेल जो कि है किसके अंतर्गत लेते हैं? ऊर्जा संसाधन के रूप में लेते हैं और इसमें अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। और जिन पदार्थों में अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोकार्बन पाया जाता है उनमें अत्यधिक मात्रा में ताप क्षमता पाई जाती है, अर्थात इनमें ताप अधिक पाया जाता है। ये वाला कौन सी चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में पाया जाता है। पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार से हुआ? तो प्राचीन काल में जो समुद्री जीव थी, यानी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ पेट्रो प्लस ओलियम, अर्थात चट्टानों से प्राप्त तेल को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम कहा जाता है। पेट्रोलियम शब्द जो कि दो प्रकार के शब्दों से बना हुआ है, पेट्रो प्लस ओलियम, अर्थात चट्टानों से प्राप्त तेल को क्या कहा जाता है? खनिज तेल या पेट्रोलियम कहा जाता है। अब खनिज तेल या पेट्रोलियम की बात करें तो ये दोनों ही चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी चट्टान या फिर उपादी चट्टान में। लेकिन अधिकांश कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। प्राचीन काल में जो समुद्री जीव थी समुद्र में जो जितने भी जीव पाए जाते थे या फिर बाद में समुद्री वनस्पति, ये ध्यान में रखे इनको ताप मिला, इनका क्या हो गया? रूपांतरण हो गया और किसका निर्माण हो गया? खनिज तेल का निर्माण। तो समुद्री जीवों के धरातल के आंतरिक भाग में दबने के कारण से किसका निर्माण होता है? खनिज तेल का निर्माण होता है। इनको निकाला किस प्रकार से जाता है? तो इनको निकालने के लिए तेल के कुए खोदे जाते हैं जिनको अपन तेल कुंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेल कुंप कहा जाता है। तो सबसे पहले तेल के कुएं खोदते हैं और तेल के कुएं खोदने के बाद इसको पंपों के द्वारा बाहर निकाला जाता है। बाहर निकाला जाता है तो उसे क्रूड ऑयल कहा जाता है और उसके बाद में इसको शोधित किया जाता है, यानी साफ किया जाता है। और साफ क्या करते हैं? रिफाइनरी में किया जाता है, जिसको तेल शोधन शाला भी कहा जाता है और रिफाइनरी कहा जाता है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने हेतु सबसे सुगम तथा सस्ता जो साधन होता है वो पाइपलाइन परिवहन होता है, अर्थात पाइपलाइन के द्वारा इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। कच्चे तेल को यहां से निकालते हैं, निकालने के बाद में उसको पाइपलाइन के द्वारा रिफाइनरी में भेजा जाता है और रिफाइनरी इसको साफ करती है। और जब इसका शोधन किया जाता है तो अनेक उत्पाद निकलते हैं, जैसे निकलता है गैसोलीन। गैसोलीन जिसको व्हाइट केरोसिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट केरोसिन भी कहा जाता है। और इससे पाइपलाइन चलता है, हल्का हल्का अत्यधिक मात्रा में ताप देने की क्षमता होती है। फिर अपना जैसे डीजल आ गया, पेट्रोल आ गया, केरोसिन आ गया, कोलता आ गया, रियान आ गई,
पेट्रोल रसायन उद्योगों की स्थापना उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है जहां पर खनन तेल या रिफाइनरी की स्थापना होती है। इसमें हाइड्रोकार्बन यानी इसमें 90 से लेके 98% क्या होता है हाइड्रोकार्बन अत्यधिक मात्रा में ताप देने की क्षमता पाई जाती है। इसका उपयोग क्या होता है अधिक होता है। शेष क्या होती है ऑक्सीजन भी होती है नत्रजन भी पाई जाती है गंधक भी पाई जाती है। तो हाइड्रोकार्बन होता है ऑक्सीजन होती है नत्रजन होती है और गंधक पाई जाती है। अब अपन बात करें यानी उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं तो भारत का अध्ययन है तो भारत में पेट्रोलियम की जो स्थिति पाई जाती है वो संतोषजनक स्थिति नहीं पाई जाती। संतोषजनक स्थिति क्यों नहीं पाई जाती है क्योंकि भारत में पेट्रोलियम के भंडार सीमित मात्रा में पाए बहुत ही कम मात्रा में अल्प मात्रा में पेट्रोल पाया जाता है। और इसके उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो इसमें असम आ जाएगा गुजरात वाले क्षेत्र आ जाते हैं मुंबई हाईवे यानी मुंबई का आपकी क्षेत्र आ जाता है राजस्थान में भी थोड़ी बहुत मात्रा में खनिज तेल पाया जाता है और पंजाब में भी पाया जाता है यानी मात्रा बहुत कम पाई जाती है। कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं असम आ जाएगा गुजरात आ जाएगा मुंबई हाई राजस्थान और पंजाब। अब इन क्षेत्रों का अध्ययन करें तो ये वाले क्षेत्र या तो अपतटीय क्षेत्रों में आते हैं अपतटीय आए अर्थात पहले ये कहा जाता है भाई पहले यहां पर समुद्री क्षेत्र पाया जाता है और इन समुद्री क्षेत्रों में उथल पुथल की स्थिति होगी और उस उथल पुथल की स्थिति के कारण से यह आंतरिक भाग में दबते गए और दबने के कारण से ये किसके रूप में परिवर्तित हो गए खनिज तेल के रूप में क्या हो गए परिवर्तित हो गए। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं तो सबसे पहले आता है असम। असम वाले क्षेत्र का अध्ययन करें तो इसमें आता है डिगोई नहर कटिया और मोमबत्ती घाटी वाला क्षेत्र आ जाता है। असम आ जाएगा तो असम में डिगोई आ जाएगा नाहरकटी आ जाएगा सूरमा घाटी रुद्र सागर और लखवा क्षेत्र आ जाता है जिनमें मुख्य क्षेत्र कौन सा आता है डिगोई कोटक पेट्रोलियम क्षेत्र। इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है डिगोई नाहरकटिया लखवा ये मोमबत्ती इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यहां पर वर्तमान में रुद्र सागर और लखवा दो क्षेत्र हो रहे रुद्र सागर और लखवा इन दो क्षेत्रों में भी खनिज तेल के नए भंडारों का पता चला। कौन कौन से क्षेत्रों में रुद्र सागर और लखवा यहां से तेल का शोधन किया जाता है और यहां तेल निकालने का कार्य कौन करती है असम ऑयल कंपनी करती है। कौन सी करती है असम में ऑयल कंपनी यहां से तेल निकालने का क्या करती है कार्य करती है। दूसरा क्षेत्र आता है गुजरात वाले क्षेत्र। गुजरात वाले क्षेत्र का अध्ययन करें तो यहां के दो मुख्य क्षेत्र हैं
एक खंभात की खाड़ी वाला क्षेत्र है और दूसरा कच्छ की खाड़ी वाला क्षेत्र है। इन दोनों क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं? खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। इनमें कौन कौन सी क्षेत्र है? एक तो महसाना, अंग्लेश्वर वाले क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में तेल के भंडार पता चला है। ये वाली जो पेटी है वो नीचे वाले क्षेत्र में कहां तक फैली हुई है? अहमदाबाद तक फैली हुई है। अंग्लेश्वर, अहमदाबाद और भावनगर, कौन कौन से? अंग्लेश्वर, अहमदाबाद और भावनगर, ये मुख्य तीन क्षेत्र है। और यहां से जो कोयला निकलता है, तो खनिज तेल निकलता है, उसको कोयली तेल शोधन शाला, कौन सी में? कोयली तेल शोधन शाला में इसका क्या किया जाता है? शोधन किया जाता है। वहां पर इस तेल को क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। इसके बाद में पंजाब वाले क्षेत्र में आता है, होशियारपुर आ जाता है। पंजाब में भी तेल करें तो खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं, और उसमें होशियारपुर, लुधियाना, अलीगढ़। इसके ऊपरी क्षेत्र का अध्ययन करें तो थोड़ी बहुत मात्रा में कहां पाया जाता है? जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में भी पाया जाता है। फिर राजस्थान का अध्ययन करें तो राजस्थान में वर्तमान में बाड़मेर वाले क्षेत्र में खनिज तेल के भंडार का पता चला है। कहां पर? बाड़मेर। और तीन कुएं हैं, कौन कौन से हैं? मंगला है, एक तो मंगला है, दूसरा ऐश्वर्या और तीसरा है भाटिया। राजस्थान में खनिज तेल के तीन मुख्य कुएं हैं, मंगला, ऐश्वर्या और भाटिया। इन तीनों क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है? खनिज तेल पाया जाता है। चौथा आता है मुंबई खाड़ी क्षेत्र। मुंबई का जो अपतटीय क्षेत्र है, इसको क्या कहा जाता है? मुंबई हाई तेल क्षेत्र कहा जाता है। हाई तेल क्षेत्र का मतलब होता है समुद्र के आंतरिक भाग में, थोड़ी सी जगह छोड़ के, पर भी बाद में समुद्र के आंतरिक भाग तक क्या पाया जाता है? खनिज तेल पाया जाता है। ये वाला गोदावरी, कृष्णा और सुंदरबन के डेल्टा ही क्षेत्र एक लंबी पट्टी में फैला हुआ है। यहां पर एक मुख्य तेल लाइन पाई जाती है, एनजीटी, कहीं कहीं हिंदी लिखा हुआ है, हाजीरा, विजयपुर। हाजीरा, विजयपुर और जगदीश, ये गैस पाइपलाइन है, भारत की सबसे लंबी पाइपलाइनों की श्रेणी में आती है। तो इस क्षेत्र में तेल के साथ में क्या पाई जाती है? प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। अब भारत में तेल की खोज हेतु कौन कौन सी कंपनियां हैं? तो भारत में तेल की खोज हेतु चार मुख्य कंपनियां हैं। सबसे पहले आती है में प्राकृतिक गैस आयोग, तेल में प्राकृतिक गैस आयोग यानी ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। दूसरा आता है ऑयल इंडिया लिमिटेड, कौन सा है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओआईएल, ऑयल इंडिया लिमिटेड आता है। तीसरा आता है
इंडियन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है आईपीसी, इंडियन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। और चौथा जो राष्ट्र आता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, क्या कहा जाता है एचपीसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। ये तेल की खोज का कार्य भी करती है, इसका उचित विपणन भी करती है, यानी तेल खोज का कार्य भी करती है, उचित विपणन भी करती है और तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य भी करती है। अब भारत में खनिज तेल की मांग का केंद्र और उपयोग का केंद्र, तो भारत में खनिज तेल के भंडार तो पाए जाते हैं, लेकिन भारत में खनिज तेल के पर्याप्त भंडार नहीं पाए जाते। और पर्याप्त भंडार नहीं पाए जाने के कारण से भारत में मांग अधिक पाई जाती है, क्योंकि भारत में जनसंख्या अधिक है। खनिज तेल के भंडार कम मात्रा में पाए जाते हैं, जनसंख्या अधिक पाई जाती है, तो मांग क्या है अधिक है। अतः भारत क्या करता है, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, अलीरा, ये मरुस्थलीय देश है, लेकिन फिर भी यहां पर खनिज तेल के भंडार अधिक पाए जाते हैं। अतः भारत अपनी मांग की पूर्ति करने ही सऊदी अरब, इराक, ईरान और कुवैत वाले क्षेत्रों से अत्यधिक मात्रा में खनिज तेल की क्या करता है, मांग करता है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। धन्यवाद। ओके।